हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नवरात्र स्पेशल में हम बनाएंगे मखाने की खीर। तो आइए हम देखते हैं मखाने की खीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे। मखाने की खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम फुल क्रीम दूध लिया है, एक प्लेट मखाना लिया है, ग्राम में करीबन ये 50 ग्राम है, आधी कटोरी शक्कर ली है या आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, एक बड़ा चम्मच देसी घी का लिया है और ड्राई फ्रूट्स में मैंने बारीक कटे बादाम, बारीक कटे काजू और पिस्ता कतरन लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। एक चम्मच दूध में भीगी हुई केसर और इलायची पाउडर। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें मखानों को रोस्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है गर्म होने के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे देसी घी और घी को गर्म होने देंगे। घी अब गर्म हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे मखाने। मखानों को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करेंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं रोस्ट करना है इन्हें। इन्हें हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये सुनहरे गुलाबी और क्रिस्पी ना हो जाएं। मखानों को रोस्ट करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मखानों का कलर चेंज हो चुका है, साथ ही ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं और भुने हुए मखानों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मखानों को ठंडा करने के लिए इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और जब तक हमारे मखाने ठंडे होते हैं तब तक हम दूध को गर्म कर लेते हैं। मखाने अब ठंडे हो चुके हैं और अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। इसके लिए मिक्सर का जार लेंगे, इसमें डालते हैं, इसमें थोड़े से मखाने हम छोड़ देंगे। इन्हें हम इसी तरीके से खड़ा डालेंगे और इतने मखानों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। मखानों को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए ये पाउडर फॉर्म हो चुके हैं। और अब हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमारा दूध भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और आप देख सकते हैं बॉयल कर रहा है। और इसे बॉयल करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें ऐड करेंगे मखाने जिन्हें हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। साथ ही ऐड कर लेंगे मखाने जो हमने खड़े रखे हुए हैं और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और इसे हम पार्शियली कवर करके पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। मखाने अच्छी तरीके से गल चुके हैं और अच्छी तरीके से मिक्स भी हो चुके हैं इसमें और हमारी खीर कुछ गाढ़ी भी हो चुकी है। और अब इसे हम ऐड करेंगे शक्कर जो एज पर टेस्ट रहेगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर डालने के बाद इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 बॉयल आने तक अच्छे से पकाएंगे। साथ ही ऐड कर लेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। तो इसे मैंने 2 से 3 बॉयल आने तक अच्छे तरीके से पका लिया है। साथ ही इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ये ठंडा होने पर और गाढ़ा होगा। फाइनली इसमें हम ऐड करेंगे दूध में भीगी हुई केसर जो इसको एक अच्छा सा कलर देगी
और इलायची पाउडर, तो इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हमारी मखाने की खीर बन के तैयार है और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे अब हम सर्व करेंगे। खीर बन के तैयार है और इसे मैंने सर्व कर लिया है और अब इसे हम गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ता कतरन से। तो फ्रेंड्स, बन के तैयार है मेरे मखाने की खीर। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और साथ ही ये बहुत हेल्दी भी है और परफेक्ट रेसिपी है नवरात्र के फास्ट के लिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।